बोलती हूँ, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, कटहल का कोफ्ता। ये कोफ्ता बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में और बहुत सॉफ्ट होता है, मुंह में डालते ही घुल जाता है। आइए हम अपना कोफ्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे कोफ्ते की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और मेरा वीडियो प्लीज अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना कोफ्ता बनाना। चलिए हम अपना कोफ्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले डालेंगे इसमें बेसन एक कटोरी, उसके बाद हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला। गरम मसाला डालने से इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसको आपस में से मिला लेंगे। ये देखिए हमारा कटहल एकदम अच्छे से हमने इसको मिला लिया है मसाले में। अब चलिए हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है, बहुत अच्छा गर्म है तेल। अब हम इसमें अपने कोफ्ते फ्राई करेंगे। तो देखिए मैंने ऐसे गोल गोल कर लिया है, नींबू का शेप दे दिया है। तो कोफ्ते देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं कोफ्ते। देखिए हमें कोफ्ते को बड़े अच्छे से पका लेंगे। देखिए कितने अच्छे पक रहे हैं। ये कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट होते हैं खाने में। देखिए हमारे कोफ्ते हो गए हैं, इसमें कलर भी कितना अच्छा आया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब आइए हम अपने ग्रेवी बनाएंगे इसमें। अब डालेंगे जीरा, दो इलायची, थोड़े भी काले मिर्च के दाने, और हल्का हल्का तो भून देंगे। ये देखिए हमारा प्याज एकदम भूज चुका है, लाल हो गया है, जैसा होना चाहिए गोल्डन ब्राउन। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्ची पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च है, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डाले अपने। हम अच्छे से इसको पका लेंगे मसाले और अपने टमाटर को। जब तक तेल ना छोड़े तब तक हम इसको पकाएंगे।
हम इसको चलाते रहेंगे तरह से पकाएंगे, तब तक ये तेल ना छोड़ दें। देखिए मैं मसाला पक रहा है, क्योंकि ये देखिए कढ़ाई छोड़ने लगा है ये, थोड़ा सा इसको पकाएंगे अभी। ये देखिए हमारा मसाला पक चुका है, तेल छोड़ने लगा है। अब हम स्टैंड डालेंगे इसमें पानी, एक कप पानी डालेंगे हम। आप ग्रेवी अगर ज़्यादा करनी है तो आप और भी पानी डाल सकते हैं। अब हम इसको ढक के 10 मिनट के पकाएंगे। देखिए 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे अपने कोफ्ते। कटा हुआ हरा धनिया, उसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम 5 मिनट और इसको पकाएंगे धीमी आंच पे, ताकि हमारे कोफ्ते और धनिया अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, हल्का से पक जाए। ये देखिए हमारे कोफ्ते बनके तैयार हो गए हैं। अब हम गैस कर देंगे ऑफ। अब आइए मैं आपको कट कर देती हूँ कि कितना सॉफ्ट बना है। देखिए अब मैं इसको कट कर रही हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये खाने में। इसको मुंह में डालते ही घुल जाता है एकदम। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।